फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर स्थित सर्किट हाउस प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जन समस्याएं सुनकर समस्याओं के निस्तारण के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जिनको योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी है। ये विकसित भारत यात्रा यानी मोदी की गारंटी यात्रा है, गारंटी की गाड़ी है। 2014 के बाद से मुझे लग रहा है कि पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व वाली, गांव से लेकर के विश्व के पटल पर जिस तरह से नाम रोशन किया, सम्मान बढ़ाया। कौन जानता था किसान सम्मान निधि का पैसा किसान के खाते में डायरेक्ट आएगा, 6 का 6,000 साल में आएगा, राशन पूरा मिलेगा, आवास मिलेगा, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का स्वास्थ्य की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। पिछले साल बरसात में मकान गिर गया था, हम तब मैंने वही स्थिति थी कि हम जो ना हमारा इंतजाम हो जाता ऊपर जाने का, लेकिन चलो खैर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको निवास मिला, अब हम आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। मकान चुहा करता था, मतलब बना नहीं था, अब ये आवास मिल गया तो बन गया है। तो हम लोग नहीं सोचते थे कि अब भी हम बनवा पाएंगे, अब आवास मिल गया तो हम लोग बनवा लिया। प्रधानमंत्री का योजना लाभ मिला है, 2,000 करके किस्तें आती हैं, हम उससे खेती किसानी का ठीक से लाभ उठाती हैं। अगर ये पैसा न मिलता तो खेती किसानी में हम लोगों को दिक्कत होती, कहाँ से खाद पान से लगा पाते। बहुत मिली है मदद प्रधानमंत्री को, हम धन्यवाद बोलते हैं